हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर के तंत्र में पाचन तंत्र, और ये है लेसन नंबर 3। अगर इसके पहले आप लेसन नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक है या यहाँ आई बॉक्स के पास भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपको पीडीएफ चाहिए वो जैसे ही हमारा पाचन तंत्र पूरा खत्म हो जाएगा तो सभी पार्ट का मिला के एक पीडीएफ फाइल जो है मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगी। साथ में आपसे एक निवेदन है, देखिए आप इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं तो आप अगर जैसे आप पहली बार आते हैं तो वीडियो को डाउनलोड मत किया कीजिए प्लीज़। एक बार आप पूरा लाइव वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इससे क्या है, अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखते हैं आप तो थोड़ी सी मेरी हेल्प भी हो जाएगी, साथ में आपका डेटा भी ज़्यादा खर्च नहीं होता है कि आपको डाउनलोड करना पड़े। ठीक है, तो पहली बार जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक बार पूरा लाइव यूट्यूब पर ही देख लें, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ में जो लोग डिसलाइक किए हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही डिसलाइक कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जो है मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रास नली, इन तीनों चीज़ों को पढ़ चुके हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले मुख गुहा में आता है। मुख गुहा में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। उसके बाद जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट विखंडन हो जाता है तो खाना जो है ग्रसनी के पास आता है। ग्रसनी डिसाइड करती है कि इसे श्वसन नली में नहीं भेजना है, इसे कहाँ भेजना है, ग्रास नली में। ग्रास नली जो है लेके जाता है खाना कहाँ पे, आमाशय के पास में। और आमाशय के अंदर जो है प्रोटीन का विखंडन होता है। तो आज जो है हम पूरा आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिगर देखिए, ये फिगर है, ये पूरा खाना है यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब आमाशय को इसमें तीन भाग होते हैं। ये जो ग्रास नली से जो कनेक्ट होता है आपका, उसको हम कार्डियक कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, हार्दिक द्वार। साथ में ये जो दूसरा द्वार होता है, जो थर्ड द्वार होता है, वो आपका जो है छोटी आंत से कनेक्ट होता है, इसको हम लोग पाइलोरिक द्वार कहते हैं। और बीच के भाग को हम लोग कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए ये पूरा उस फिगर को अगर जब बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। बैकग्राउंड मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका पूरा भाग आ गया, ये आपका पाइलरस है, ये आपका कार्डियक है, और ये हिस्सा आपका क्या है, फंडस है। तीनों पार्ट के नाम मैं यहाँ पे लिख दिया, अब तो आपको तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे पाचन इसके बारे में, पेट आमाशय के बारे में पढ़ने से पहले इसका दो पॉइंट जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला, आमाशय के अंदर जो है प्रोटीन का पाचन होता है, पाचन का प्रमुख स्थान है। सेकेंड चीज, आमाशय में भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले यहाँ कार्डिक से जैसे ही भोजन जो है आमाशय के अंदर एंट्री करती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी पाइलोरिक ग्रंथियां होती है, कौन सी ग्रंथियां होती है, पाइलोरिक ग्रंथियां होती है, उनसे क्या निकलता है, उनसे निकलता है आपका जठर रस। देखिए आपका जठर रस क्या होता है, आपका जठर रस जो है हल्के पीले रंग का जो है अम्लीय द्रव होता है। इसका पीएच कितना आता है, 1.8। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जठर रस का पीएच कितना होता है, याद रखिए 1.8। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही जठर रस निकलता है और खाना दोनों एक साथ मिलते हैं तो जठर रस जो है खाना के साथ मिलकर आपका क्या बनाता है, काइम बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि आमाशय की पेशी द्वार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। अब जो भी काम होगा वो काइम के साथ होता है, ना कि आप जो भोजन खाएं उसके साथ। अब आपके हमारे पेट में के अंदर, स्टोमच के अंदर, आमाशय के अंदर क्या बचा है, केवल और केवल काइम बचा है। तो हम देखते हैं कि काइम कैसे टूटेगा, प्रोटीन कैसे अलग होंगे इससे, वो सारी प्रोसेस कैसे चलती है। देखिए जो आमाशय से आपका जठर रस निकलता है उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन होता है, दूसरा रेनिन होता है। इनका काम अभी हम थोड़ा बाद में जानेंगे, उससे पहले हम जान देते हैं कि आमाशय के अंदर जो है आपकी ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं। इनसे क्या निकलता है आपका, इनसे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं से, क्योंकि इससे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
और एंजाइम की जो क्रिया को तीव्र कर देता है। जैसे ही आपका पेप्सिन और रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलती हैं, इनकी जो स्पीड होती है, इनकी क्रिया करने की जो दर होती है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। और सबसे ज़रूरी काम क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जो है भोजन के माध्यम को अम्ली बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जो है आपका भोजन के माध्यम को क्या करता है, अम्ली बना देता है, जिससे जब हम भोजन खाए रहते हैं तो लार की जो टाइलिन क्रिया हुई रहती है। अब देखिए अम्ली बनाने से फ़ायदा क्या है कि जब हम भोजन खाते हैं तो लार से जो है, लार के अंदर जो है टाइलिन की क्रिया होती है, उसका प्रभाव जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है अमाशय के अंदर आके। अच्छा, ये जो आपकी ऑक्सीटोनिक कोशिकाएँ हैं, इससे एक फ़ायदा और होता है। देखिए इससे जो है नैज कारक स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? नैज कारक। अब नैज कारक का क्या काम है? ये जो है आपका B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? B12 के लिए। तो नैज कारक कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका जो है ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं से स्रावित होता है, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, जठर रस से दो एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। देखिए पेप्सिन आपका क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ देता है, खंडित कर देता है, छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है, पूरी तरह से तोड़ देता है, सिंपल बना देता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पेप्टोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रोटीन जो है आपका केवल एक ही तरह के भोजन से तो नहीं मिलता है, अलग अलग तरह से भोजन से मिलता है और इसके अंदर अलग अलग जगह विखंडित होता है। यहाँ से जब भोजन चलेगा ना तो यहाँ तक आने में कई बार जो है कई तरह के प्रोटीन कई अलग अलग रस से जो है क्या करते हैं, टूटते हैं। तो जैसे अगर आप दूध पीते हो तो दूध के जो अंदर प्रोटीन होता है वो रेनिन एंजाइम की वजह से क्या होता है, विघटित होता है, ये आप याद रखिएगा। और जो दूध में घुली हुई प्रोटीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैसिनोजन। ठीक है, तो रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है दूध की घुली हुई जो प्रोटीन है कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराक्सिनेट, किसमें, ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा के सिनेट में के रूप में बदल देगा। तो ये पूरा हो गया आपका अमाशय क्रिया कैसे करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जल्दी से 5 मिनट के अंदर ध्यान दे देते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है, जो HCl जो है ऑक्सीटोनिक कोशिकाओं से निकलता है, उसका काम क्या है? उसका पहला काम है कि प्रोटीन को फुलाकर इस योग बनाना कि पेप्सिन कार्य कर सके। दूसरा मेन काम है केन शुगर, चीनी को डेक्सट्रोज में परिवर्तित करने में सहायता करता है। उसके बाद जो आपका पेप्सिन निकलता है वो फूले हुए प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और जो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे डिटेल लिख दिया हूँ कि अमाशिक रस के पेप्सिन से भोजनों की प्रोटीनों को विश्लेषण होकर उनसे पेप्टोन्स बन जाते हैं। छोड़िए, इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जो पेप्सिन होता है वो फूले हुए प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और जो आपका रेनिन होता है वो दूध की जो कैसिनोजन प्रोटीन होती है, दूध में जो घुली हुई कैसिन प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैसिनोजन बोलते हैं, उसको जो है ये कैल्शियम पैराक्सिनेट या केजिन, केजिन वर्ड तो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ज़्यादा वर्ड क्या आता है आपका, कैल्शियम पैरा के सिनेट के रूप में बदल देता है। फोर्थ चीज क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए, जो रेनिन की क्रिया होती है वो कैसे होती है, पहले दूध को जो है दही में बनाता है, पहले दूध क्रिया से दूध जो है दही बन जाता है और उसके बाद जो है दूध का पाचन दही बनकर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। म्यूकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिए, इसका क्वेश्चन कई बार आता है। म्यूकस आपका क्या करता है, जठर रस का जो अम्लीय प्रभाव होता है उसको कम कर देता है और अमाशय की रक्षा करता है। मीन्स जठर रस, चूंकि आप देखते हैं अमाशय के अंदर हर चीज़ अम्ली होती है, तो अमाशय की रक्षा कैसे होती है, अमाशय का प्रोटेक्शन कौन करता है, तो म्यूकस जो है आपका अमाशय का प्रोटेक्शन करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया था इसलिए मैंने इसको ले लिया। क्या था कि गन्ने की शक्कर, मतलब कैसे अमाशिक रस की क्रिया से गन्ने का शक्कर क्या बदलता है, केन शुगर, तो ये डेक्सट्रोज में और फ्रैक्टोज में बदल जाता है। अमाशिक रस की क्रिया से गन्ने की जो शक्कर होती है वो डेक्सट्रोज और फ्रैक्टोज में बदल जाती है। सेकेंड चीज, अमाशिक के रस में जो वसा होती है वो पिघलकर ग्लिसरीन और
मजिकामल फैटी एसिड में बदल जाती है। किसमें? एक तरह से फैटी एसिड कभी कभी ऑप्शन आता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको ग्लिसरीन मिल जाता है। अभी मैं बताया था कि वसा कैसे चेंज होता है। थर्ड चीज, भोजन के जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो आमाशयिक रस की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से या आमाशयिक रस की क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट चीज, कैसे पूरा प्रोसेस आपका चलता है। देखिए क्या होता है, भोजन के ऊपर जब आमाशयिक रस की क्रिया होने से वो क्या बन जाता है, आपका आहार रस बन जाता है, और यही आहार रस जो है आमाशय से कहाँ पे, आंत में चला जाता है। ये जो है इसके थ्रू जो है कहाँ पे, आंत में चला जाएगा। अब नेक्स्ट लेसन में हम आंत के बारे में पूरा देखेंगे, उसके बाद जो है हमारा पूरा लेसन कवर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आपको लेसन कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।